बागेश्वर धाम की जय। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? कल भाई हनुमान जन्मोत्सव था, खूब मजे किए हमने। अभी हमारे साथ में है आपका नाम सर? बबलू यादव। ज्योति पागल है पूरी। और हमारी नानी रीना नानी के साथ में भाई काफी अच्छा लग रहा है। नानी हमें अलग ही ट्रीटमेंट दे रही है पूरा। कल हनुमान जन्मोत्सव था तो हमने खूब एंजॉय किया भाई। बहुत बड़े बड़े संत महात्मा आए थे, बहुत मजा था ना, बहुत मजा था। और आज हम जा रहे हैं पिकनिक मनाने के लिए। बागेश्वर धाम में आने के बाद यहाँ पे पिकनिक मनाने जा रहे हैं भाई, पहाड़ पे। तो आओ हमारे साथ में चलते हैं। जय श्री राम। तो अभी जा रहे हैं भाई पहाड़ पे पिकनिक मनाने के लिए। हाँ, आधी दूर तक आ रहे हैं। और पिकनिक के लिए देखो अपना पानी भी लेके, ये पानी की 5 लीटर की बोतल है और क्या है? एक बोतल उनके हाथ में देखो, गिलास भी है। वो देखो गिलास विलास सब कुछ लेके आए भाई। चाय पत्ती चीनी सिलेंडर वगैरह सब है, सब कुछ है नानी। पिंगे बोलो, सब में हम लोग ओके होके जा रहे हैं। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। और ये देखो भाई हमें चल के कैसे जाना पड़ रहा, झाड़ियां हैं दोनों तरफ, झाड़ियां हैं और ऐसे करके हम ऊपर जा रहे भाई। और हमारी नानी बड़ी एक्साइटेड है पिकनिक के लिए, उन्होंने ही पूरा प्लान किया है आज का पिकनिक, कि पहाड़ पे चल के आज पिकनिक मनाएंगे। ये देखो भाई आधे पहाड़ तक हम पहुंच चुके हैं और हम आपको नज़ारा दिखाते हैं। ये देखो नज़ारा पहाड़ी एरिया का, कितनी हरी भरी हरियाली है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? सीताराम, नानी कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? चली गई है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहाड़ के सामने हरारत चली गई। हाँ अच्छा, मतलब पहाड़ देख के थकान दूर होगी। अब ऐसे चढ़ के जाना है यार इस पहाड़ पे भाई। ये देखो ज्यादा मुश्किल तो नहीं है पर कर लेंगे आराम से। ये देखो भाई कैसे है पहाड़ की चढ़ाई, ऐसे चढ़ के आएगी नानी अब। सीताराम कैसे उधर से निकल रहे? नहीं यही से सीधे। ये लो हमारी लास्ट डेस्टिनेशन आ गई भाई। ये रहे हमारे बालाजी महाराज, एकदम पहाड़ी की चोटी पे पहुंच गए हम भाई, सबसे ऊंची पहाड़ी पे पहुंच गए हैं यहाँ पे। तो देखो यार नज़ारा यहाँ का भाई बड़ा मस्त है। अभी शाम होने वाली है। ये लो भाई हमारी स्टार्ट होगी है पिकनिक के लिए। नानी पहले बना रहे चाय। देख लो तुम, अभी यार रात होगी भाई, थोड़ा एसी हो जाएगा तो उसी में थर्मस में डाल देना, अंधेरा आएगा थोड़ा। गोप्रो क्या है ना, रात में काम बहुत कम करता, दिन में अच्छा काम करता है। लग गया तो। अभी क्या बना रहे हो फूड ब्लॉगर, बताओ चाय बना रहे हैं। कैसे कैसे बनाते चाय, क्या क्या डलता है इसमें, क्या डाल रहे हो बताते रहना। ठीक है, सबसे पहले हमने पानी डाला है, उसके बाद दूध डाला है। हाँ। उसके बाद हम चीनी डाल रहे हैं, अभी अब पत्ती डालेंगे। अब इसमें चीनी डाल दिया, अरे वाह भाई वाह 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 वाह, देखो कितनी अच्छी चाय बना रही, चीनी डाल दिया है। ये देखिए लौंग भी डाला है, अगर गले में आपके फांस उस पड़ती हो इससे आपका गला साफ हो जाएगा, okay। चाय भी टेस्ट बनेगा, हम देख लो दोस्त असर पड़ेगा। पत्ती डाल रहे हैं चाय में, हवा काफी चल रही है यहाँ पे, इसलिए हमने इसको भाई पहाड़ के एकदम किनारे पे रखा है कि हमारी चाय अच्छी बन जाए। काफी है इतना, ठीक है। अब इसको ढकने के लिए कुछ होता तो जल्दी हो जाता, ये है क्या? तो इसके ढकने के लिए है, यही है, ये है। हाँ। निकालो खोल के जल्दी हो जाएगा, ये वाला। हाँ तो आप उल्टा उल्टा ऐसे करके रखो, ऐसे हो गया ना, चलाने का है। चला सकते इससे चाय? ये नीचे वाला वो निकालो, ये जो ये चम्मच है, ये हाँ यही निकाला, जो अभी निकाला, जो अभी निकाला नीचे वाला चम्मच, ये चम्मच। हाँ इसको खोल लो पूरा, ये रहा चम्मच। हाँ इससे जो जो मन करे करो, चाय निकालने के लिए भी छानने के लिए सब कुछ यही काम आएगा, सब कुछ है हमारे भैया जी के पास, एक में इसमें सब कुछ है। ये आप लोग भी चाहो तो भाई खरीद सकते हो। ये छोटा सा ब्यूटेन गैस का सिलेंडर है और ये हमारा स्टोव है छोटा सा ऊपर। ये हमने यहाँ पर गिलास भी खरीदा है, गिलास हमारे पास नहीं था, ये अभी हम गिलास खरीद के लेके आए हैं।
चाय बनाने के। तो बहुत सारे हैं, पीने वाले चार ही हैं, बाद में काम आ जाएंगे। कोई आए तो आ सकता है पीने के लिए। हाँ, किसी को भी चाय पीनी तो वही आ सकता है। चाय भी बन रही है, स्टारा में दूध भी है, दूध भी है, चीनी पत्ती भी है, चाय भी है, लोगों की कमी है। पैक कर दिया, पैक कर दिया पूरा, चलेगा नहीं है। पहली बार अच्छा, कभी नहीं बनाया, अभी तक नहीं बनाया। नहीं। मैं बना चुका हूँ कई बार, तो आप तो घूमते हो। हाँ, आप लोग नानी, आप कितनी बार आए हो पहाड़ पे? हम तो दो बार आ गए। दो बार आ गए हैं? हाँ, दो बार आई इसी पहाड़ पे। नानी आए थे ना, हम पिछली बार भी आए थे। मैं धाम भी दो बार आई हूँ, एक हफ्ते पहले आए थे। इसको धाम बड़ा, मैं भागा भाई धाम पे। मुझे बाला जी ने दो बार बुला लिया, 15 दिनों में दो बार। इससे पहले 9 दिन रुक के गई थी, और अभी 10 दिन रुकेंगे पूरा। 10 दिन नहीं, परसों चले जाएंगे। नहीं अभी तो रुकेंगे, ऐसे ही बोल रही है। हम अभी तो रोक लेंगे, टेंशन नहीं अभी। और ये देखो भाई, कभी भी आप अगर चाहो ना कहीं पहाड़ वहाड़ पे रुकते हो तो ऐसा कुछ ले सकते हो साथ में। ये पानी की जो बोतल दिख रही है आपको, दिखाओ नानी उठा के, ये देखो काफी मजबूत है। हाँ, काफी मजबूत है कि ये, मतलब मजबूत नहीं, काफी मजबूत है, हाथ में उठाने में भी हल्क है। हाँ, काफी आसानी है इसको उठाने में। ये बहुत काम आता भाई, कहीं पे भी आपको कैंप करना है ना तो खाना बनाने के बहुत काम आएगा। सुबह तक पानी चल जाएगा अगर कहीं पे कैंपिंग कर रहे हो तो। 5 लीटर पानी इसमें पूरा। ये सब कहाँ से खरीद लिया है? ऑनलाइन से मंगाया इन्होंने। हाँ, ऐसे मंगा लेते नानी ऑनलाइन, जब जैसे घूमते रहते पता चलता रहता है किस चीज़ की कमी है, क्या चीज़ खरीदना चाहिए, क्या कुछ कुछ करना चाहिए। ये सब टेक्निकल मेरे भैया को भी ज़्यादा आते ना पापा, भैया को भी आपके जैसे। ठीक ठीक, ये देखो नानी गैस बचाने के लिए कैसे साड़ी से वो हवा ना लगे, वो भी हाथ से रोक रही हवा ना। ये काम कर, पानी की बोतल उधर उठा के रख दे, उधर 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 रख दे, उठा के यहाँ से उठा के उधर रख दे, उधर से जास्ती आता है। हाँ, देखो अब हवा कम लगेगी, कैसे बनी चाहिए देखो। अभी बन रहा है, हवा चल रहा है इसलिए टाइम लग रहा है, वरना अब तक हो जाता। हाँ, थोड़ा टाइम लग रहा है इसलिए। ये मैं चला रही हूँ। ठीक है। बताओ क्या बोलना है, बताओ। ज्योति हमें सिखा रही है भाई, चाय तैयार हो गया, बस इसे चला रहे हैं हम लोग, उतारेंगे हम लोग, पियेंगे आप लोग भी आ जाइए। ब्लॉगिंग सिखा रही है। नहीं, मुझे आती नहीं है। हाँ, वैसे चाय हमारी रेडी हो गई भाई। आओ यार, सबको बुलाओ नानी, चाय के लिए बुलाओ इन सबको। आजा बेटा, सब लोग पी लो चाय। नानी का बुलावा आया ना। और चिनिया पे दाम लोग, हम लोग भी लाए हैं, फोड़ फोड़ के खाएंगे अच्छे से। आ जाओ, आ जाओ, सब आ जाओ, आ जाओ। चाय छान रहे हैं हम लोग। ठीक है भाई, आ जाओ, जिसको चाय पीनी तो आप आ सकते हो भाई यहाँ पे। मेरे पापा को दिखाओ ना। ले लो पापा, बोलो आप कुछ बोलो, कुछ बोलो बोलो बोलो। ठीक है, सब लोग बढ़िया से हैं। बोलो के ले आओ बेटा, चाय पीने आ जाइए। लोग चाय पीने आइए सब लोग, जो भी लोग साथ में हैं। यहाँ बहुत अच्छा मौसम है, हाँ, माहौल बड़ा अच्छा अच्छा लग रहा है, नजारा ही बिल्कुल अलग है। बोलो ना कि मैं घर पे कैसा था, यहाँ के यहाँ आके बहुत अच्छा सा लग रहा है, यहाँ पे बहुत सुकून मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है ना। मैंने बोला चलो, मैंने इनको मनाया, ये बोले थे नहीं अभी एक हफ्ते पहले तुम लोग गए हो, मैंने कही नहीं हम लोग गए तो इस बार आप चलो हनुमान जयंती को, तो मैं पापा को लेके आ गई। पापा घर पे बहुत बीमार रहते थे, मैंने कहा एक बार चलो अब वहाँ जाके ठीक हो जाओ। बोले हाँ, यहाँ के अच्छा लग रहा है, सच में झूठ नहीं बोल। आप लोग भी आइए, बीमार हो तो आप आके ठीक होके जाइए। सच में ये मजाक नहीं है, जो सही बात है यहाँ पे आते हो सच में सही होके जाते। जो भी आता कुछ न कुछ लेके ही जाता है, खाली हाथ कोई नहीं जाता, कुछ न कुछ जरूर मिलता है यहाँ पे, भर के जाना है। और नानी हमारी पचकर्मा, हर दिन पचकर्मा लगाती है नानी, किस पचकर्मा, हर दिन पचकर्मा नानी बहुत मेहनत कर रही है। बंद करना, होगी ना चाय रेडी? हाँ, ये लो भाई चाय रेडी होगी, आओ जल्दी आओ, चाय पियो, चाय पियो जल्दी आओ रे, चाय पियो, चाय 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 चाय। जय जय श्री राम सीताराम, जय बजरंग बली, गलती सरती माफ करो हमनी के, हमनी के चुटकुला में चाय पी रहे हनुमान जी। सीताराम जी आप भी आगे पी लीजिए, आप भी आगे चाय पीजिए। ये पहाड़ है भाई, पहाड़ जी
ग्रहण कीजिए। हम लोग समझते हैं आइए भाई चाय पी लीजिए, बढ़िया बनी है चाय। सच में मजाक नहीं आ जाइए, बिल्कुल हनुमान जी जय सीताराम सीताराम। ये लीजिए आपका चाय। हमारा भी चाय आ गया भाई, अब पागल के लिए भी चाय निकालो। मुझे कोई नहीं दे रहा करके देखो, मैं सबको दे रही हूँ, मुझे कौन करे, मैं खुद ही करूँ। अरे देखो भाई कितनी चाय एक्स्ट्रा भी बच गई यार, आओ कोई तो आ जाओ चाय पीने के लिए, सबके लिए बनाए हैं तो एक्स्ट्रा होगा। पी के देखो सीताराम जी, पी के देखिए अच्छी है कि नहीं। बोले वो अच्छा है। अच्छा बोला, पानी चेक करो कैसी है चाय। सही है, अच्छा बनाया है। चलो भाई अच्छा है, थोड़ा कैसी बनी चाय। बढ़िया बनी है, बढ़िया बनी है, मुझे तो फीका अच्छा है। अच्छा है वैसे, चीनी रोक के पत्ती ठोक के खोलता घर पे ऐसी बना। कॉल गया, कितना कॉलेगा नहीं, फैन था ना चाय में। ये देखो भाई हम झालमुरी भी लेके आए हैं इधर, ये सिर्फ भैया, ये भैया खाएंगे, हम तो नहीं खाएंगे। सभी खाएंगे इसको, तुम खाओ। पर ये वैसा है देखो, इसके अंदर कोई भी नमक प्याज नहीं है भाई, एकदम प्योर वैसा है, चना और वो मिक्स करके लेके आए हैं, मीठा हाँ प्रसाद में है, खील है, चना है, ये सब मिला के लेके आए हैं। लो रानी झालमुरी, मैं खाओ वो दे दो। चिनिया बादाम, ठीक है चिनिया बादाम देते हैं। वीडियो कॉल क्यों ना उठा रही, पूजा कर तो रहे हैं, पूजा करने दो ना, चक्कर वाली करनी है। नेट खोलो, ये देखो वीडियो कॉल, ये भी लेके आए भाई बादाम, बादाम चिनिया बादाम, मूंगफली भी बोलते इसको। हाँ इनको हम मूंगफली बोलते, तुम ही चिनिया बादाम बोलते हो। नानी चिनिया बादाम कौन बोलता? नानी चिनिया बादाम खा लो, मेरी नानी भी बादाम बोलती है। हाँ कहीं कहीं इसको बंगाल में बिहार में इसको बादाम बोला जाता है, हम इसको राजस्थान हरियाणा पंजाब इसको मूंगफली बोलते हैं। पानी दे दो बेटा, पानी पानी गिराओ ज्योति, पानी गिराओ थोड़ा। ये देखो भाई हमारी पार्टी कंप्लीट होगी और चाय वाय हमने पी ली और जो अपनी झालमुरी सब कुछ खा पी के अब निकल रहे हैं यहाँ से भाई, अभी बर्तन साफ कर रहे हैं हम। तो नानी इतना ना करो, बहुत हो गया साहब, छोड़ो छोड़ो हो गया। अरे नानी बस करो ना नानी, अरे नानी हो गया, नानी मानेगी नहीं, पानी लो जल्दी करो, पूरा साफ करे बिना नानी मानेगी नहीं। ज्यादा हो गया, लाओ ना पानी, क्या होगा। नहीं कोई नहीं, पानी का कुछ नहीं करना, हो गया अपना काम। तो बैग रखा, अरे इसको साफ दो ना, बैग में रखता है ना, गिरा देगा बस। अब क्या होगा, हो गया साफ। हाँ अब हो गया भाई, सब कुछ साफ हो गया। चलो ठीक है,